इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी हायर और कैंडी की एलईडी के ऊपर यूएसबी जो है वो कंपैटिबल नहीं हो रही है, सपोर्ट नहीं हो रही, तो उसको आपने कैसे चलाना है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पे लिखा रहा है कि इशू विद द वेंडर को यूएसबी ड्राइव। यूजली ये इशू आता है जब आपकी जो यूएसबी होती है वो एनटीएफएस पे फॉर्मेट हुई हुई होती है। तो अब हम आपको बताएंगे ये किस तरह चलानी है। तो ये सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप एक ऐप सर्च करें, ML जी, ये नीचे आए आप तो ये आपको एक USB माउंटर मिल जाएगा। इसको क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इस वक्त जो मैंने यूनिट में USB लगाई है वो 64GB है और NTFS पे फॉर्मेटेड है। उसके बाद इसको ओपन करें, ठीक है। ओपन करने के बाद आप इसे अलाउ करें, अलाउ करने के बाद ओके करें, ठीक है। अब ये दोबारा आपने ऐप्स में जाना है और इसकी कुछ परमिशन होती हैं जो आपने इसको अलाउ करनी होती हैं, तो वो आप मैनुअली वहाँ जा के इसको अलाउ करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जाके आप परमिशन हैं, फ़ोन को अलाउ कर दें। सेकंड, यहाँ पे फाइल्स एंड मीडिया में जाके इसको अलाउ ऑल टाइम कर दें, ठीक है। अलाउ ऑल टाइम करके आप ओके कर दें। उसके बाद आप बैक पर जाएं, बैक पर जाने के बाद आप इसको ओपन करें। अब इन डू नॉट आस्क को चेक कर लीजिए। उसके बाद अब ये आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप ये देखें ये मूव कर गया आपके इंटरनल स्टोरेज टैब पे। इसको क्लिक करें, नीचे लाएं और ये लिखा रहा है माउंट, तो माउंट पे क्लिक कर दें आप, ठीक है। और ये आपसे पूछेगा कि आप एक्सेस करना चाहते हैं अपनी डिस्क को, जी बिल्कुल, और ऑलवेज़ ओपन को जो है वो आप क्लिक कर दें, चेक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप ओके को क्लिक कर दें। अब ये आपकी USB जो है वो इस पर माउंट हो रही है। अब ये देखें कि ये जो मेरी 64GB USB थी जो कि NTFS पर थी, ये वहाँ पे अब शो हो रही है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये उसके उसका जो डाटा है वो शो हो रहा है मेरे।